यमुनानगर में दो बच्चों में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं, जिस पर दोनों को यमुनानगर सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। ये दोनों बच्चे भाई बहन हैं, जिसमें लड़के की उम्र 2.5 साल और लड़की की उम्र 1.5 साल है। उन्हें पिछले 12 दिनों से बुखार और शरीर पर चकते पड़ने शुरू हो गए थे। इसी दौरान परिवार के सदस्यों ने टीवी पर मंकी पॉक्स के लक्षणों के बारे में देखा, जिसके बाद उन्होंने यमुनानगर कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दी। सूचना के बाद यमुनानगर के CMO डॉक्टर मंजीत सिंह ने तुरंत विभागीय टीमों को अलर्ट करते हुए दोनों बच्चों सहित उनके माता पिता को सिविल अस्पताल में लाकर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया। वहीं सैंपल जांच के लिए एम्स भेजे गए। दो बच्चे हैं, एक 2.5 साल का लड़का है, 1.5 साल की लड़की है, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। और ये बच्चा 12 दिन से बीमार था और प्राइवेट से दवाई ले रहा था, तो इन्होंने कहीं टीवी देखा, मंकी पॉक्स के बारे में इन्होंने देखा होगा, तो इन्होंने तुरंत कंट्रोल रूम फ़ोन किया, तो हमारी टीम जो एम्बुलेंस थी हमारी गई और बच्चों को उनके माँ बाप को शनिवार को अस्पताल में ले आई। जैसे मुझे सूचना मिली मैं तुरंत मौके पे पहुँचा और उनकी मैंने अपने मोबाइल से फ़ोटो खींची और उनको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया। उसके बाद से उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया और कुछ सलाह लेने के बाद, स्टेट की सलाह लेने के बाद और कुछ अन्य मेरे डॉक्टरों की सलाह लेने के बाद हमें लगा कि हमें मंकी पॉक्स का सैंपल ले लेना चाहिए। हमने फिर एम्स से संपर्क किया तो उन्होंने ये कहा कि आप संडे को हमें सैंपल पहुँचा दीजिए। तो संडे को हमने सैंपलिंग की कार्रवाई की, बच्चे आइसोलेशन वार्ड में हैं, उनका पूरा ट्रीटमेंट है, इस पर प्रोटोकॉल चल रहा है और बच्चे अभी स्थिर हैं। उनका सैंपल कल रात 11 बजे एम्स पहुंचा। सिविल सर्जन ने बताया है कि मंकी पॉक्स के मामले में बुखार के साथ शरीर पर चकते हो जाते हैं, जो शुरू में थोड़े और फिर सारे शरीर पर फैल जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में सारी फैमिली की जांच कराई गई है और दोनों बच्चों के सैंपल लेकर भेजे गए हैं। बच्चे का इलाज जैसा वैसा प्रोटोकॉल ठीक चल रहा है। सर, क्या टेस्ट होता है इसमें और क्या लक्षण होते हैं? देखिए, इसमें वो मैंने बताया ना, बुखार के साथ चकत्ते पड़ते हैं, जैसे पहले इंटरव्यू था, चकत्ते पड़े हैं, इसके ब्लिस्टर्स हैं और वो बड़े अनयूजुअल तरीके से हो रहे हैं। पहले एक हुआ, फिर दो हुए, फिर तीन हुए, फिर चार हुए, फिर अनेक हो गए और शरीर के सारे हिस्से इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हमने इसलिए प्रिकॉशनरी एहतियात बरतते हुए इसकी सारी फैमिली की जांच कराई गई है। फैमिली में कोई भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिला है। सिर्फ ये दो बच्चे ही, उनको पहले बुखार हुआ था, फिर शरीर पर दाने पड़े थे, तो बच्चे आइसोलेशन वार्ड में एडमिट हैं और उनका ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है। जल्द ही रिपोर्ट आने मिलने की संभावना है। धन्यवाद। बहरहाल बच्चों की हालत स्थिर है, उनका प्रोटोकॉल के मुताबिक नियम अनुसार ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है, तो वहीं रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।